हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं टूली फेस्ट देखने के लिए मिशिगन। मिशिगन अमेरिका का एक स्टेट है और यहाँ पर एक सिटी है हॉलैंड। तो वहाँ पर आजकल टूली फेस्ट चल रहा है और ये हमारे यहाँ से 3.5 या 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन बच्चे के साथ जाते जाते थोड़ी लेट हो जाती है। तो हम लोग 7:30-8 बजे घर से निकल गए थे और अभी 10 बज रहे हैं। तो हम लोगों ने रेस्ट एरिया लिया है, आहान को भी रेस्ट एरिया जाना था तो इसलिए हम रेस्ट एरिया पर रुके हैं। तो अगर यहाँ पर किसी को कुछ खाना है तो यहाँ पर बेंचेस लगे होते हैं, बैठकर खा सकते हैं। यहाँ पर अंदर जो वेंडिंग मशीन होती हैं उनमें कॉफ़ी भी होती है, ड्रिंक्स होती हैं, तो वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अपने टॉय को लेकर जा रहा है, वो हर जगह अपने कोई ना कोई टॉयज उठाकर चलता रहता है। तो ये है रेस्ट एरिया और ये काफ़ी नीट एंड क्लीन रेस्ट एरिया है। तो यहाँ के ऑलमोस्ट रेस्ट एरिया क्लीन ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लीन है ये वाला रेस्ट एरिया भी। और यहाँ पर उन्होंने कुछ पेन एंड नोटबुक भी रखी है कि अगर आपको ये रेस्ट एरिया क्लीन लगा है तो आप कमेंट डाल सकते हैं कि रेस्ट एरिया कैसा था, अच्छा था या नहीं था। तो वहाँ पर पेन और नोटबुक भी रखी हुई थी। हम लोग पहुंच चुके हैं हॉलैंड सिटी में और ये है यहाँ का डच विलेज। तो डच विलेज हम पहले भी आ चुके हैं तो इसलिए हम आज डच विलेज नहीं जाएंगे, हम सीधे टूली फार्म में ही जाएंगे। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। हम लोग पहुंच गए हैं टूली फार्म में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी पार्किंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि वीकेंड है तो सारे लोग आए हैं और टूली फेस्ट भी चल रहा है, ये पीक टाइम है टूलिप्स का, तो इसलिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिल रही है। तो हमने 2-4 राउंड ऐसे ही लगाए, उसके बाद जाके हमको पार्किंग मिली है। तो अब हम लोग अंदर जाकर टिकट लेंगे पहले। ये है टिकट काउंटर और यहाँ पर 2 टिकट काउंटर हैं, एक सिर्फ कार्ड ले रहा है और एक में कैश भी अलाउ है। तो जिसमें कैश अलाउ है उसमें कम लाइन थी और कार्ड वाले में बहुत लंबी लाइन थी, तो इसलिए हमने कैश वाले से ले लिया। और $15 पर पर्सन की एंट्री है यहाँ पर एंड $5 5 साल से नीचे के बच्चे के हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक बुक दे रहे हैं कि कितने टाइप्स के टूलिप्स हैं और एक पेंसिल भी, तो उससे हम टिक मार करके जा सकते हैं कि हमने क्या क्या एरिया कवर कर लिया है। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे इस फार्म का कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से टूलिप्स हैं और उस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, हमको नोट करना है कि टिक करना है ये एरिया कवर हो गया, तो इससे जो फार्म था वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। Are you driving? Okay, all right, I'll call you later. तो गाइज, इस वाले फार्म में कम से कम 5 मिलियन प्लांट्स हैं टूलिप्स के एंड हम वॉक कर सकते हैं इन पे हर जगह, और 5 मिलियन प्लांट्स कम नहीं होते हैं, वॉक करने के लिए बहुत सारे होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि टूलिप्स का जो टाइम होता है वो 1 एंड 2 वीक के लिए ही होता है, तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और बहुत सारे इंडियन पीपल्स भी थे यहाँ पर। तो ऐसे देखकर लग रहा था जैसे इंडिया के किसी फेस्टिवल में होंगे, तो बहुत मज़ा आया और इतने दिनों बाद ऐसा देखकर
बहुत ही मज़ा आता है जहाँ पर मुझे इतने सारे इंडियंस लोग दिखे, तो मतलब अच्छी वाली फीलिंग आई, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। Everybody's walking there. I'm feeling so tired. So sit down. तो अभी हम लोग आए हैं ट्यूलिप्स गार्डन के स्टोर में। ये ट्यूलिप्स गार्डन का ही स्टोर है और यहाँ पर सारे ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। डच विलेज की किचन वेयर हैं, पॉट्स एंड पैन्स हैं और ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं यहाँ की। और यहाँ पर ऑथेंटिक वुडन शूज़ भी मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे से स्टोर में है वो शूज़ भी। तो देखिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे शूज़ भी हैं, बहुत सुंदर हैं ये दिखने के, लेकिन उतने ही ज़्यादा महंगे भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे हैं तो बहुत सस्ते हैं। यहाँ का जो सामान है बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर है दिखने में। तो ये छोटे छोटे ऑथेंटिक शूज़ हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर इन शूज़ों का जो प्राइस था वो वन शू का प्राइस था $12 and $13 समथिंग, मतलब 900 का एक शूज़ था, नॉट पेयर, ओनली वन शूज़। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था ये। तो ये है प्रॉपर ऑथेंटिक वुडन शूज़ डच विलेज के, और यहाँ पर इन शूज़ का प्राइस था $40। काफ़ी हार्ड थे ये, मैंने पहन के देखे थे तो बहुत हार्ड थे, इसलिए मैंने नहीं ख़रीदे। बट ये स्टोर काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सुंदर है, ऑथेंटिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं सबको ही, तो बहुत अच्छा स्टोर है ये। तो अभी हम लोग एक और पार्क आए हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास काफ़ी टाइम बच गया था, तो हम लोगों ने सोचा एक और पार्क को विज़िट कर लें। तो इस पार्क का नाम है विंडो ऑन द वाटर फ्रंट, एंड यहाँ से ये ओल्ड विंड मिल दिखती है, तो इसको देखने के लिए लोग आते हैं। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे ट्यूलिप्स लगे हुए हैं, और इस पार्क की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, तो जिसको टिकट देकर फार्म में नहीं जाना है वो इस पार्क में भी आ सकता है। एंड यहाँ पर जो रिवर है उसके इधर उधर बेंचेस लगे हैं बैठने के लिए, तो
लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट जो भी करना है वो बैठ के कर सकते हैं। और इस पार्क में भी काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पर खुद के स्टॉल लगे हुए थे, कैंडी के स्टॉल, पॉपकॉर्न, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर भी, तो इन्जॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा था। एंड अब यहाँ पर बच्चों के लिए वुडन पार्क भी है, तो बहुत अच्छी जगह है। अगर किसी को पैसे नहीं लगाने हैं, अपने टिकट नहीं ख़रीदना है, तो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि इस पार्क के कोई भी टिकट नहीं है। एंड ट्यूलिप्स भी बहुत सारे थे यहाँ पर भी। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन के लिए हॉलैंड के। तो यहाँ पर एक ट्यूलिप फेस्ट चल रहा है और हर जगह ट्यूलिप ही ट्यूलिप्स हैं। इवन रोड के किनारे भी ट्यूलिप्स लगे हुए हैं एंड काफ़ी भीड़ है। बहुत सारे खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं। वीकेंड है तो बहुत भीड़ है। ट्यूलिप्स का टाइम कम ही टाइम के लिए ट्यूलिप्स आते हैं अप्रैल मई में, तो इसके लिए काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर। आपने देख ही लिया होगा कि डाउनटाउन में कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और कोई भी मास्क नहीं पहन रहा। अभी मास्क बिल्कुल छोड़े हुए हैं सब ने, मतलब ऐसे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया है यहाँ पर। एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, हर जगह ट्यूलिप्स ही ट्यूलिप्स हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है एंड रियली काफ़ी मज़ा भी आ रहा है ये सारी चीज़ें देखकर। बहुत टाइम के बाद, पिछले 2-3 साल से तो सब कुछ बंद हो रखा था, तो इस साल कुछ खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। तो ये एक और पार्क हम आए हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ट्यूलिप्स हैं और इस पार्क की भी कोई एंट्री फीस नहीं है और ट्यूलिप्स बहुत सुंदर है, मल्टी कलर ट्यूलिप्स भी हैं। और यहाँ पर एक फाउंटेन भी है आगे, तो बहुत सुंदर जगह है ये भी, तो यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। कोई टिकट भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है यहाँ पर एंट्री एंड काफ़ी अच्छा है ये पार्क। तो गाइज, इस पार्क का नाम है सेंटेनियल पार्क और यहाँ पर एक गजीबो भी है और आगे एक फाउंटेन भी है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ थी, कोई एंट्री फीस नहीं थी यहाँ की, तो अगर किसी को नहीं जाना है टिकट देकर तो यहाँ पर भी आ सकता है। यहाँ पर भी सेम ही ट्यूलिप्स थे और बहुत ज़्यादा ट्यूलिप्स हैं, फाउंटेन भी है और पानी के नज़दीक, तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है बैठकर। और काफ़ी जगह थी इस पार्क में बैठने के लिए, इंजॉय करने के लिए बैठ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं और काफ़ी भीड़ भी थी। तो इतने साल के बाद हमको इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली और अच्छे से इन्जॉय करने को मिला, तो हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। काफ़ी अच्छा पार्क है ये भी। और ये जो पार्क है, ये है जो विलेज मार्केट एरिया है, वहीं पर ये पार्क है। अभी इवनिंग का 5 o'clock हो चुका है और हम लोगों को वापस जाना है, 3.5 घंटे का रास्ता है। तो हमको कुछ यूनिक सी चीज़ दिखी थी एलिफेंट ईयर्स के नाम से, तो हमें लगा एक ले लेते हैं, तो हमने एक लिया था।
ये $8 का एक था और ये कुछ भी यूनिक नहीं था, आप इसे मीठा भटूरा कह सकते हैं। इसमें कुछ सिनेमन था और कुछ शुगर स्प्रेड की हुई थी, ब्राउन शुगर। और यहाँ पर अभी अंधेरा नहीं हुआ है क्योंकि आजकल जो अंधेरा है वो थोड़ी लेट में होता है यहाँ पर। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।